जनाब एक बार फिर निकले हैं आवाम के बीच आवाम से जुड़े हुए मसले पर बात करने। मसला है अन्नदाता से जुड़ा हुआ, मसला है किसानों से जुड़ा हुआ। आज हम बात करेंगे उस मसले पर जो लगातार बढ़ाया जा रहा है, लगातार उस पर बात की जा रही है। मसला है समर्थन मूल्य का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी, मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज़ में आपका स्वागत है। जनाब सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि समर्थन मूल्य डेढ़ गुना कर दिया गया है। सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर जो है वो सुधरेगा। आज ज़मीन पर हैं, किसानों के साथ हैं, उनसे उनकी मुसीबतों के बारे में जानने के लिए आज हम उन्हीं के बीच में हैं। कुछ किसान हैं, उनसे उनके बारे में जानते हैं, उनकी तकलीफ़ों के बारे में जानते हैं। जनाब आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप है जी। संदीप जी, कितनी ज़मीन है अपने पास? मेरे पास 5 किले हैं जी, मेरी 5 एकड़ ज़मीन है। 5 एकड़ ज़मीन है। आपको क्या लगता है जो समर्थन मूल्य अभी बढ़ा दिया गया है उससे कितना आपको लगता है मदद मिलेगी? मदद तो मैं नहीं कह सकता जी, इससे कोई मदद मिलेगी, लेकिन या जब से यह सरकार आई इससे नुकसान जरूर किसानों को। जो पहले का आटा अगर 20% 30% था, और 40-50% पहुँच गया किसान का, मतलब किसान और नीचे कर्जे में चला गया, ज़्यादा घाटे में चला गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा, किसान का कर्जा भी वैसे वैसे समय के अनुसार बढ़ता जा रहा। क्या वजहें हैं? आपको पता है कि किसान जो है उसको पता है कि खेती लेनी करना है, उसको कर्जा आएगा, यानी आने वाले टाइम में उसको ये भी पता है कि हो सकता है कि उसकी उपज ख़राब हो, उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा, फिर भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि क्या कर्ज से समाधान नहीं निकल सकता, कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे किसान को कर्ज ना लेना पड़े? अभी तक तो जैसे भी, चाहे वो पिछली सरकारें आई हों या ये जो मौजूदा सरकार है, इनसे इन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे इलेक्शन आने से पहले, 2014 से पहले मोदी जी के भाषण सुन लो आप, सब किसान के तेजी बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कर देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे। लेकिन ये जो समर्थन मूल्य है, इन्होंने ये जो बढ़ोतरी करी इसके बारे में इन्होंने कहा था ना, ये बढ़ोतरी हम मानते बिल्कुल भी। जो इन्होंने वादा किया था किसान के साथ 2014 में, वो किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट का। स्वामीनाथन रिपोर्ट का आपको मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। उन्होंने स्वामीनाथन जी ने कहा है C2+FL, मतलब कॉस्ट के ऊपर लागत का 50% मूल्य। इन्होंने A2FL अपना नया फार्मूला, बीजेपी जब से सरकार में आई इन्होंने अपना नया फार्मूला लागू करका, किसान को मतलब छलने का काम करें इन्होंने बिल्कुल भी। इससे इतनी आमदनी तो किसान की पहले भी थी, और ये जो A2FL जो फार्मूला इन्होंने निकाला, इसके अनुरूप तो पहले भी 5-7 बार पहले भी सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी लागू हो गया था, उसके अनुरूप रेट मिले थे, लेकिन ये फार्मूला नहीं था, इन्होंने बहकाया किसान को, छलावा किया किसान के। जनाब नए नए फार्मूले बन रहे हैं, किसान जो है ज़मीनी हकीकत आपको बताएगा कि आखिर ये नए फार्मूले उसके कितने काम के हैं। समर्थन मूल्य जनाब कैसे हैं आप? समर्थन मूल्य तो ठीक है जी, जो भी है, पर बहुत नहीं मिल रहा समर्थन मूल्य जो भी सरकार दे रही। आपको क्या लगता है जो पहले एक मूल्य निर्धारित किया गया था, चाहे धान की बात हो चाहे गन्ने की बात हो, उतना मिलता था? नहीं, पहले तो उतना तो नहीं मिलता था जी पहले भी, और ना ही अब मिला। जो समर्थन मूल्य सरकार दे रही उससे तो हमने बहुत कम मिल रहा। जितना निर्धारित किया गया था पहले की बात करें, अभी की तो चलिए जनाब, अभी तो कटेगी फसल तब जाके पता चलेगा कि कितना मिल रहा है। हम बात करते हैं कि पहले जितना निर्धारित किया गया था उसका क्या उतना मिल पाता था? पहले कभी नहीं मिले जी। किसान को तो हमेशा जब भी मंडी में अनाज अपनी उपज लेकर जाती हैं, उसके साथ शोषण तो होता ही होता, जमीनी तरफ से मारती और ये सेलर वाला मिल कर करे, उसको 300 रुपये 400 रुपये, जैसे भी फसल होती है, जैसे धान की बात करें, गेहूँ की बात करें, थोड़ा गेहूँ में राहत मिलती है, लेकिन अब गेहूँ के ऊपर भी ठगी होने लगी है। उसको भी जो है ना 50 रुपये 100 रुपये से नीचे कम करके आड़ती और दोनों सेलर वाला मिल करके उसका जो है ना MSP के हिसाब से, उसके नमी के हिसाब से, किसी के हिसाब से कोई लगाएगा उसके ऊपर दोष, आपका दाना काला है, हाँ इसमें नमी है, इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ये तरह तरह के लगा के धान के ऊपर ऐसा ही गेहूँ में होने लग गया है। अभी थोड़ा गेहूँ में राहत थी, लेकिन अब भी गेहूँ उसी स्टेज पे चली गई, वहाँ भी 100 रुपये से नीचे कम, और इसमें जीरी में 300-400 रुपये तक कभी कट लगता है, कभी कंबाइन के नाम पर भी, कंबाइन के नाम पर कभी किसी के नाम पर। किसान को समर्थन मूल्य से इससे जो 200 रुपये की बढ़ोतरी की, इससे 200 रुपये 300 रुपये से पहले से ही समर्थन मूल्य कम गिरेगा। अब जो मंडी में जाएगा फसल, इसमें 300 रुपये का निश्चय रूप से काट लग के ही खरीदते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी कि जितनी एक निर्धारित किया गया है कभी उतना भी नहीं मिल पाया। रेट पे कभी भी किसान की उपज नहीं खरीदी गई, चाहे वह सूरजमुखी का
ला लो, या इसके तेल वाली फसलों को लगा लो, धान का लगा लो। अब तो गन्ने पर भी बहुत तकड़ी मार कर दी, जैसे थोड़ा एरिया गन्ने का है, अब तो गन्ने पर भी उसमें काट लगा कर भी गन्ना जो है ना मील परचेज करता है, उसके इसके नाम पर भी ठगी होने लगी है। चाहे इससे पहले गन्ने में कभी ऐसा नहीं होया। जनाब किसान जो है वो ठगियों से बड़ा परेशान है, आड़तियों से परेशान है, सेल्समैन से परेशान है। जनाब आपको क्या लगता है इस सरकार जो योजनाएं बना रही है, ज़मीनी हकीकत क्या है उसकी? सरकार तो योजना तब बनाए ना, नीचे आके देखे, तो पहले आके खेत में काम करके देखे, खर्चे देखे किसान के, कि किसान के क्या खर्चे हैं। तेल के रेट बढ़ चुके हैं, दवाइयों के रेट बढ़ चुके हैं, खाद के रेट बढ़ चुके हैं। ये कहते हैं हमने रेट दे दिया, रेट तो दे दिया आपने, पर वो खर्चे तो देखो, वो खर्चे भी तो बढ़ गए ना, वो तो रेट से ज़्यादा ही बढ़ गए। कुछ लेबर नहीं मिलती, लेबर का खर्चा बढ़ चुका है, तो किसान को बड़ी दिक्कतें हैं यार। किसान को बड़ी दिक्कतें हैं जनाब, 10 मिनट आप धूप में खड़े होकर देखिए, आपको मेहनत का अंदाज़ा होगा कि दिन भर जो किसान कड़ी धूप में अपना फसल जोतता है, फसल को बहुत प्यार से बड़ा करता है, जब उसको उसके मूल्य नहीं मिलते हैं तब उसके साथ क्या गुजरता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब एक फसल जाती है, मंडी जाती है, तब कैसी कैसी परेशानियाँ आती हैं? सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ, सरकार कहती है हम मक्की खरीद रहे हैं, हम सरसों खरीद रहे हैं। सरकार के जो बयान आते हैं वो आते हैं उसके बाद, जब किसान की फसल बिक चुकी होती है मंडी में, मंदे में, उसके बाद सरकार कहती है हम इस रेट खरीद रहे हैं। जब किसान के पास फसल ही नहीं रही, वो तो पहले ही बिकी, रेट आप बाद में दे रहे हो, उसके घर से खेत से तो जा चुका है ना वो, अब तो व्यापारी को दे रहे हो आप रेट, किसान को थोड़ी ना दे रहे हो। यही हाल इसमें जीरी और कणक में है, उसमें आप रेट दे रहे हो, वहाँ आड़ती अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मशीन में मॉइस्चर चेक करता है, क्या वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है मशीन सुन की, किसान को क्या पता मॉइस्चर उसमें क्या सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है। एक तरह से ठगी हो रही है किसान के साथ, यानी कि मॉइस्चर की चाहे कारण दिया जाए, दाना छोटा है, दाने में कीड़ा है, कई कारण बताए जाते हैं जिससे जो इनकम कहा जाए जनाब, एक जो पैसा जो किसान को मिलना चाहिए, जो उसकी मेहनताना उसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। हम लेकर आज मसला जो है वो ये आए हैं कि किस तरीके से समर्थन मूल्य जो है वो किसानों की समस्याओं को हल कर पाएगा, क्या लगातार किसान के ऊपर जो कर्ज है क्या उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। जनाब आपका नाम जानना चाहूँगा। संजू जी। संजू जी क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। आपको क्या लगता है जो समर्थन मूल्य अभी बढ़ा है, आपको लगता है जो किसानों के ऊपर लगातार कर्ज जो बढ़ता जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी? जो समर्थन मूल्य बढ़ा है वो ना के बराबर है, बहुत कम बढ़ा है, जो सरकार ने वादा किया था उससे भी कम बढ़ा है। इससे तो बहुत मुश्किल है कि हम कह नहीं सकते कि इससे किसान अपना कर्ज उतार सकेगा, क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने इसकी बात नहीं, किसी भी सरकार ने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, आज तक कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी फसल के रेट बढ़ते चले जाएंगे। यही कारण आज किसान कर्ज के ताले दब गया, क्योंकि जो हमने बाजार से सामान खरीदना पड़ा, हम अपनी खेती के लिए लगा लें, ट्रैक्टर लगा लें, हैरो लगा लें या कोई फर्टिलाइजर लगा लें, जो हमने बाजार से खरीदना पड़ रहा है उसके रेट बढ़ गए कई सौ गुना, और जो हमने बेचना पड़ रहा है उसके रेट बढ़े बहुत कम। ये कारण है आज हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, ये कारण है किसान के ऊपर कर्जा चढ़ने का, और इस मामूली सी बढ़ोतरी से हमें नहीं लगता है किसान का कर्ज उतरेगा। जनाब बढ़ोतरी की सरकार पीठ थपथपा रही है, लेकिन किसानों से आपने सुना कि आखिर ये बढ़ोतरी उनके मायने में ना के बराबर है, कहा जाए तो उनकी लागत तक नहीं निकल पाएगी इससे। जनाब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि जो ये समर्थन मूल्य है इससे आपको कितना फ़ायदा हो? कुछ फ़ायदा नहीं सर। कुछ फ़ायदा नहीं? नहीं कुछ फ़ायदा नहीं। समर्थन मूल्य तो किसान को मिल के आ रहा है, किसान तो घाटे ही घाटे में जा रहा है, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। सरकार जो वादे करती है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब खोखले निकलते हैं सरकार के वादे। सरकार ने तो सब जो भी है वादा कर देते हैं, वो सेंटर में बैठ के वादा करते हैं, हकीकत किसान के पास आके देखो ना कि क्या हो रहा है, किसान किस हाल में है, किसान की दिक्कत समझो क्या है, उस चीज़ को समझो, ग्राउंड पे समझो। अगर मान लिया जाए कि समर्थन मूल्य से फायदा हो रहा है, जितने भी दाम पहले लगाए गए थे, तो क्या वजह है कि किसान अभी भी लगातार जो है वो कर्ज के बोझ के नीचे दब रहा है, आत्महत्या कर रहा है? सर जी किसान तो कर्ज के नीचे दबेगा ही, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। मजदूरी लगा लो, आज से 15-20 साल पहले मजदूरी क्या थी, 5 रुपये मजदूरी पर मजदूर मिलता था, आज मजदूरी लगाओ वही मजदूर 400 रुपये मिल रहा है, किसान कहाँ जाएगा? किसान को जो किसान का खर्चा था वो तो कई गुना बढ़ता चला गया, और जो किसान को अपना मूल्य है समर्थन मूल्य जो किसान की फसल है उसके ऊपर किसान को 10% या 8% या 12% मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है किसान को? जनाब किसान सच में, किसान जो है
वो अपना दुख आप तक पहुंचाना चाहता है, वो चाहता है कि एक बदलाव जरूर आए। महंगाई है, हर चीज महंगी मिलती है, आपके जो फसल आपसे ली जाती है कितने रुपए में ली जाती है, और अगर आप वही फसल जो है वही खाना कहा जाए, अगर आप सब्जी लेते हैं तो कितना जो है गुना आपको महंगा मिलता है? कम से कम 100 गुना महंगा मिलता है। 100 गुना महंगा मिलता है। अगर हम बात करें एक छोटी सी फसल अनाज की बात करें, पर किलो आपसे कितने में जाता है, और अगर आप बाजार से खरीदने की कोशिश करें तो कितना मिलता है? 14-15 रुपये रेट था पीछे, वो अगर आटा लेने चले जाएँ तो 30 रुपये कम से कम मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा डबल प्राइस जनाब, फर्क तो पड़ता है। जनाब आप कहाँ पीछे जा रहे हैं, समस्या आपसे जुड़ी है और आप ही पीछे जा रहे हैं। चचा करते गए, नाम क्या आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, कितना कितना जमीन है अपने पास? 1.5 किला। 1.5 किला जमीन है। कितना मुसीबत आता है, कितना सही से हो जाती है उसमें खेती? सही से कहाँ वाली, सही से नहीं होती। तो क्या लगता है कि किसानी अभी क्या चाहते हैं, आपके बच्चे किसानी में आए? हाँ जी, किसानी में आए। किसानी में आप चाहते हैं आपके बच्चे किसानी में आए? दिहाड़ी कर रहे हैं। दिहाड़ी कर रहे हैं वो। ओके, आपसे जानना चाहूँगा जनाब, आपका नाम? कश्मीरी लाल। कश्मीरी लाल जी, कितना है ज़मीन अपने पास? ज़मीन तो मेरे पास 10 किले हैं। 10 किले है। कैसा चल रहा है किसानी? बिल्कुल बेकार है। किसानी तो कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती, बच्चे तो किसानी कर रहे हैं पर उनको बचता तो कुछ नहीं, घाटे का सौदा है कितनी आजकल। लेकिन सरकार कहती है कि समर्थन मूल्य जो हमने बढ़ाया है वो बहुत सही है, किसानों की जो हालत है वो सुधरेगी। कितनी सुधरेगी? किसानों की हालत नहीं सुधरेगी, इतना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं सरकार करती, इतना हमारी हालत नहीं सुधरेगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट पता क्या, हिसार यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो खर्चा आता है उसको 1.5% 50% मुनाफे में खरीदे फिर तो किसान बचेगा। अरे अपने आप ही रेट इन्होंने फिक्स कर दिए, इससे थोड़ी बचेगा किसान। इन्होंने तो जो खर्चा है हमारा फसल पर आता उससे भी कम रेट रखे हुए हैं। 3,000 रुपये क्विंटल अगर हमारी जीरी बिके या गेहूं बिके तब तो हम बचेंगे, नहीं तो मरेंगे। जनाब आपको क्या लगता है कि कैसे ये समस्या जो है कि कहा जाता है कि आढ़तीय जो है जिनके पास किसानों की फसल जाती है वो बीच में घपला करते हैं, कैसे इस समस्या को? हम बताएंगे आपको क्या घपला करते हैं। एक तो वो काला दाना बताकर, मॉक्चर बताकर, जो समर्थन मूल्य उससे भी 300-400 रुपये क्विंटल माल खरीदते हैं हमारे, हम तो और भी ज़्यादा घाटे में जा रहे हैं। हमारी मजबूरी है, उनसे हम पैसे उठाते हैं आड़ती से, हमने माल तो उनके पास गिराना पड़ता है, परंतु वो कम रेट में जाता है, किसान घाटे में जाएगा, उन्हीं का कर्ज नहीं पूरा होता हमारे पास, और हम बच्चों को पढ़ाएं कैसे, कैसे उनकी शादियां करें, कैसे उनके लिए मकान बनाएं। हम लोन लेते हैं, लोन भी हमारे को देना बंद कर दिया अब सरकार ने, कोई पहला लोन नहीं हम दे सके। जो पहले लोन लिए थे, ट्रैक्टर लिया जैसे, मान लिया ट्रॉली ली, जितने भी इम्प्लीमेंट हमने खरीदे हैं खेती के लिए, उन्हीं का लोन नहीं उतरा अब तक हमारे पास, क्योंकि समर्थन मूल्य बहुत कम है। समर्थन मूल्य पे भी रेट नहीं, उस पर भी नहीं बिकता माल, क्योंकि उसमें नमी बताकर, उसमें काला दाना बताकर उसको कम रेट में लेते हैं, तो इसलिए उसमें भी घाटा है। ये गन्ना ले लो आप, गन्ना इसलिए मैं आधी ज़मीन में गन्ना लगाता हूँ पर गन्ने में भी घाटा है, क्योंकि गन्ने पे खर्चे ज़्यादा हैं। लेबर ने 40 रुपये क्विंटल रेट कर दिया, हमारा रेट ये 10-20 रुपये बढ़ाते हैं, 10-20 से कैसे पूरा होगा? हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, हर चीज़ के, लेकिन किसान की आमदनी नहीं बढ़ी है। जैसे मान लो हम खाद खरीदते हैं वो भी महंगा हो गया पहले से बहुत ज़्यादा, दवाई बीज और जो इम्प्लीमेंट हम लेते हैं उनके भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए वो भी घाटे का सौदा है। गेहूँ बोते हैं वो भी घाटे का। मक्की ले लो आप, मक्की का उन्होंने 1730 रुपये कुछ रेट रखा हुआ है और बिकती है 900-950, उसमें भी मॉक्चर के नाम पर हमारी पिटाई होती है, उसमें भी हम घाटे में जाते हैं। करें तो करें क्या करें, आखिर किसान आत्महत्या करता है, कोई रेल के तड़े कट के मरता है, दवाई खा के मरता है, क्यों मरता है? उसको अपनी जिद बचानी मुश्किल हो गई है मार्केट में किसी का पैसा देना वो दे नहीं पाता, क्यों? खेती में बचता नहीं कुछ, खर्चा भी वापस नहीं आता, तो वो मार्केट में भी शर्मा तो हो जाता नहीं, अपने घर में ही अपना नून के साथ रोटी खा के गुजारा कर रहा है। जनाब एक किसान जो पूरे देश को खाना देता है, पूरे देश का पेट भरता है, वही सिर्फ नमक और रोटी के साथ अगर अपना पेट भरे तो सोचिए उस देश के विकास का क्या होगा। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम बात कर रहे हैं आवाम की आवाज़ में कि समर्थन मूल्य से एक किसान की ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। आइए एक घर में हम अब जा रहे हैं, इस घर में ज़रा जाके देखते हैं हालात क्या हैं। अरे नमस्कार चाचा, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है जी, वैसे ठीक है। क्या नाम है अपना? शिव कुमार जी। शिव कुमार, अरे नाम इतना सोच के क्यों बता रहे हैं चाचा? नहीं जी, सोचा नहीं, चलो एकदम से आ गए इसलिए घबरा गए। कितना जमीन है अपने पास? ये 1 एकड़ के करीब है जी। 1 एकड़ के करीब है। कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो खराब चल रही जी। खराब क्यों? अब बंदा आता है देश को खाने के लिए नाच देता है, अपने आप भूखा है, प्यासा है, नंगा है,
अब खेती करने में तो घाटा पड़ रहा है ना, ना तो कोई बच्चा खेती करा और हमारी उम्र जहाँ बुजुर्ग लाइन में चली गई, तुम्हारे पास ना तो इतनी खेती हुआ जो करा उसमें भी घाटा पड़ा, अब कहाँ जाऊँ फिर। सरकार बोल रही है कि आपकी जो आमदनी है उसको बढ़ाने का एक जरिया दिया है, समर्थन मूल्य कहा जा रहा है, डेढ़ गुना कर दिया है, कितनी आस है उससे? वो तो ऐसे है जी, वो तो खोखले वादे हैं सरकार के। तो अगर 100% स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो और किसान का जो है पिछला सारा कर्जा माफ हो तब किसान रोटी खाने के काबिल होगा, नहीं ऐसे तो यही हालत रहेगी, बदहाली रहेगी किसान की। यानी पिछला जितना भी कर्जा है आप चाहते हैं कि वो एक बार माफ हो और उसके बाद एक किसान नए सिरे से अपनी शुरुआत कर पाए तो कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है। सरकार की जो है ना सोच गलत है, किसान को पर क्विंटल पे घाटा पड़ता है, पर एकड़ पे घाटा पड़ता है। जब मेरे को एक एकड़ पे घाटा इतना पड़ रहा कि मैं अपना इलाज भी नहीं करा सकता और खाने में भी अपने परिवार को समर्थ नहीं हूँ, तो फिर जो 10 एकड़ या 20 एकड़ की खेती करे उनको कितना घाटा होगा? आखिर ये घाटा किसान कब तक सहता रहेगा? किसान की तो जमीन इस घाटे की वजह से भी बिक रही है। मतलब लगातार जो घाटा है, कर्ज है, वो एक कहीं ना कहीं कारण है कि एक किसान जो है उसको आसान लगता है जिंदगी जीने से बस फंदा लगा के मर जाना। दूसरा बात एक और भी है जी, किसान के पास कारोबार तो एक है, कर्जा अनेक है, जूती चप्पल से ले कर और खाद वाले का, बीज वाले का, अर्थ का, बैंकों का, तीन तीन चार चार तरह का कर्जा है। उसको तो सारे दिन इसी परेशानी ने मार लिया, वो तो कभी कहीं से फ़ोन आ रहा, कभी कोई बैंक का कर्मचारी आ रहा, कभी कोई दुकान वाला रहा, दिया किसी का जाता नहीं, वो तो ठीक तरीके से अपना काम भी नहीं कर सकता। क्या उम्मीद लगा के किसान कर्ज लेता है? उम्मीद यही होती है कि हम मान लो सरकार से पैसा लेंगे, अपनी खेती में लगाएंगे और उसको पैसे को वापस करेंगे। अब किसान की जिंसों का रेट है, उसके अलावा जो किसान को मशीनरी चाहिए, जैसे ट्रैक्टर चाहिए, 7 लाख से कम कोई ट्रैक्टर नहीं है, मोटरसाइकिल भी चाहिए किसान को, साधन तो सारे चाहिए, बिजली का बिल भी चाहिए। अब हमारी ना सरकार कह रही है कि किसान को बिजली के बिल पर हमने सब्सिडी दे रखी है, चलो मानते हैं सब्सिडी दे रखी है, लेकिन वो घर का बिल कहाँ से भरेगा? जो खेती में से आमदन होगी उसी में से भरेगा ना, वो तो 5-6 रुपये ऊंट पड़ रहा है हमारे पास, वो तो ये क्लास के अफसर हैं देश के, वो भी वही बिल दे रहे हो, हमको भी वही देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसकी मार भी किसान पर सबसे ज़्यादा पड़ रही है। डीजल की नहीं, हर चीज़ की मार पड़ रही जी महंगाई की, तो क्योंकि पीछे आंकड़े हमने भी देखे हैं, अखबारों में पढ़े हैं, किसान का तो सिर्फ 19 गुना सारा बढ़ा, बाकी जो किसान चीज़ें जिंदगी जीने के लिए लेता है और खेती में यूज होने वाली चीज़ें हैं, सबका 1000 गुना और 1500 गुना बढ़ गया। ये तो एक किसान को जानबूझ के ही राजनेता लोग खत्म करने वाले तुले हैं। चलिए जनाब, अब आपको एक और घर में लेकर चलते हैं और जानते हैं आखिर इस घर के हालात क्या हैं, इस घर में रहने वालों के हालात क्या हैं। जनाब कैसे हैं? बस कैसे, क्या बैठे हैं आराम से? बैठे हैं। अरे वाह जी वाह, अरे धन्यवाद। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा राम सिंह है जी। राम सिंह जी, क्या करते हैं? बस जी बेकार आ जी। क्यों जनाब, बेकार क्यों है? बेकार तो नहीं हुआ जी, ना तो मंडी में रेट मिला, जो ले जाए धान वो भी अपना काट का वापस ले आना पड़ा। तो अभी आप कह रहे हैं कि जो आप ले जाते हैं वो भी वापस ले आते हैं? और क्या करा जी, फिर जब कह दे कहा गिल्ला सुक्का ले जाओ, चाहे गिल्ला ले जाओ तो भी, जो सुक्का ले जाएंगे तो भी गिल्ला कह देंगे, जो गिल्ला ले जाओ तो भी सुक्का कह देंगे। ये कहीं ना कहीं मनमानी है उनकी। बस फिर ये बात है ना जी सारी, अब क्या करा बताओ। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी समर्थन मूल्य कहा जाए, आमदनी एक बढ़ाने का जरिया कहा जाता है, कि किसान की आमदनी सुधर जाएगी, लगता है सुधरेगी? ना जी सुधरती नहीं है। सुधरती नहीं ना जी, मैंने कम से कम अब 20 साल ले गए ठेके पर जमीन लेन देने, मेरे घर देख लो कैसे है कैसे नहीं है। 20 साल से किसानी करते हो गए, ठेके पे जमीन लेते हो गए और आज भी हालात आज वैसे भी वहीं का वहीं हूं जी, उससे भी नीचे और उससे भी नीचे, हालात नहीं सुधरे ना जी ना। तो क्या लगता है कि आप चाहेंगे आपके बच्चे जो हैं वो किसानी में आए? बस किसानी, मैं तो बच्चे पढ़ाएगा भी देख लिए तो भी कोई बेकार सौदा जी, तो बस कोई फायदा नहीं है। क्या लगता है क्या करानी हो तो बताओ? क्या लगता है कि किसानी जब आप करते हैं, जब आप मंडी में लेके जाते हैं उपज को, तो क्या जो एक मूल्य निर्धारित किया गया है, जो एक कहा जाए जितना आपको मिलना चाहिए उतना मिलता है? नहीं मिलता नहीं है जी। क्या वजह है, क्यों नहीं मिलता? वजह तो ये अभी ना तो कोई सुना ना गिना लेना नहीं देना नहीं, अपनी मन मर्जी करें जो की भी करा। तो आप कभी उनको बोलते नहीं है? कहीं फेरी बोल लिया जी। क्या निकलता है समाधान? एक बार धान ले गया आधे रेट में लग जाएगा, कहा मंडी का बोली खत्म ही गया। एक महीने का समय होता है बेचने का, अगर उस समय के बाद जाओ तो नहीं बिकता, आधा रेट मिलेगा जी। आधा रेट मिलेगा, आधा रेट।
तो लेट क्यों हो गए? लेट पकड़े में लेट हो जाए जी, माड़ी मोटी तो लेट हो ही जा। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए कि जिससे किसान की जो समस्या है, किसान का जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर उठ पाए, क्या होना चाहिए? हमने तो जी रेट सही मिल जो एक ये जो मोक्चर है ना, मोक्चर या ज़्यादा बढ़ाया जाए, और जैसे कह देगा 17-18 मोक्चर लेंगे, मोक्चर ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब तो माड़ी मोटी नरमाई रहेगी तो हम कहाँ ले जाएंगे सुनो, इतना बारदाना तो हमारे पास घर पर भी नहीं है। यानी कि जो एक मॉइस्चर का सीमा निर्धारित की गई है सतारा, आप चाहते हैं कि वो थोड़ी बढ़ाई जाए? वो भी बढ़ाई जाएगी, तो उससे समाधान हो जाएगा, उससे आपको पूरा पैसा तो मिल जाएगा। अगर जो ये 24-25 वगैरह जी फिर तो ही जा, ये पूरा पैसा नहीं मिलता, पूरा पैसा नहीं मिलता जी। जनाब अगर किसान का जितना मूल्य निर्धारित है उतना भी कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं समस्या थोड़ी सी सुधर जाएगी। चलिए कुछ और परिवार से जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। आवाम की आवाज के सफर में जनाब एक और घर की तरफ हम आ गए हैं। अरे नमस्कार, कैसे हैं आप? आइए आपसे दो बातें कर ली जाए। ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर एक गांव में एक किसान की जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। हम जान रहे हैं कि उसकी आमदनी से कितना फर्क पड़ रहा है। अभी आपके पति किसान हैं, है ना? क्या करते हैं वो, किसानी करते हैं? किसानी तो थोड़ी बहुत ही है, बस ये है थोड़ा सा खाने पीने का खर्चा निकलता है, बस थोड़ा बहुत किसी तरीके से बस चल रही है जिंदगी। अभी कितने बच्चे हैं आप? एक लड़का है। एक लड़का है, क्या सपना देख रही हैं उसके लिए? उसके लिए सपना ये है अभी किस तरह पढ़ लिख के कामयाब हो जाए, और हमारी तो बस ये कि ख्वाहिश है अभी रेलवे में चला जाए किसी तरीके से। एक सपना देख रही हैं कि रेलवे में जाए और हमारा जो आपका जो जीवन स्तर है वो कहीं ना कहीं सुधर जाए। हाँ जी। तो क्या लगता है कितनी उम्मीद है कि पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है, जिस क्या आप पढ़ा पाएंगी जिस हिसाब से आप कह रही हैं कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं? थोड़ा बहुत है, जो इसकी मामा है वो फौज में है तो वो मेरा पूरा साथ देते हैं। आप चाहती हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, आपके ज़िंदगी के स्तर जो आप अभी जो गरीबी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी गरीबी को दूर करे, एक उम्मीद है? हाँ जी, क्योंकि इसके पापा बीमार रहते हैं, 2-3 महीने काम करते कहीं मिल जाता है तो फिर उसके बाद घर बैठते हैं, 3-4 महीने ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो भाई आता है, वो सब हेल्प करता है, हर तरीके से हेल्प करता है मेरी। अब जगह कच्ची है, मैंने कई बार फार्म भरे हैं भी सरकार कुछ करे, लेकिन नहीं, सरकार कुछ नहीं करती है। अब गांव में करीब करीब सबको ये जैसे राशन मिलता है ना, उसका भी फार्म भरा गया, मैंने खुद भरा है, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ के जो प्रधान हैं, जो जितने भी प्रधान हैं, सरकारें हैं, किसी की कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं हमें किसी की भी। सरकारें जो इतनी योजनाएं चलाती है गरीबों के विकास के लिए, कुछ लाभ नहीं है? कुछ लाभ नहीं हमें बिल्कुल भी, हमें सरकार का 1 रुपये का भी लाभ नहीं है। अगर कोई योजना आती भी है तो पता ही नहीं चलता किसी के भी जरिए, इधर उधर से अगर कभी पता चला भी फार्म भरे जा रहे हैं, कुछ है कच्ची छतों के मैंने फार्म भरे, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। कभी घर में कच्ची छतें हैं, कभी कोई कड़ी टूट जाती है, कभी कोई कड़ी। अब आप अंदर जाके देखो मेरे कमरे में, बेड के ऊपर मेरी कड़ियाँ ऐसी झुकी हुई है ना, रात को अगर सो भी जाती हूँ ना, मन में रहती है अभी सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे बेड से। एक समस्या है जो लगातार एक गरीब के दिल में है, वो अपना स्तर तो उठाना चाहता है लेकिन कैसे उठाए, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी सुधारे, वो ये चाहता है। जब आपके पति बीमार होते हैं तब घर कैसे चलता है? माँ जो आपके भाई हैं उन्हीं वही मदद करते हैं? हाँ जी, भाई आते हैं वो मदद करते हैं मेरी। अभी ड्यूटी यमुनानगर में, अभी आए थे पीछे से, आते रहते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं भी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक हम हैं, उन्हीं के सहारा है बस मुझे, और किसी का नहीं है अब तो बस। जनाब जरा आगे आइए, कौन सी क्लास में? आइए यहाँ बैठिए, कौन सी क्लास में आप? 8th में। क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है? आपकी मम्मी चाहती हैं आप रेलवे में जाएं, अपने जो घर की मुसीबतें हैं वो दूर कर पाएंगे? हाँ जी। आपको लगता है आप इस समाज में अपना एक दायरा बना पाएंगे, अपने आप को एक स्टैंड कर पाएंगे? हाँ जी। पढ़ाई में मन लग जाता है? हाँ जी। पूरा मन लगाते हैं? हाँ जी। कुछ करके दिखाएंगे? हाँ जी। बहुत बढ़िया जनाब, एक परिवार, एक छोटा परिवार यही चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से उसकी मुसीबतें दूर हो। एक किसान का परिवार यही चाहता है कि कैसे ना कैसे दो वक्त का खाना जुट पाए,
कैसे ना कैसे उनकी जिंदगी का जो स्तर है वो दूसरों के मुकाबले भले ही उतना अमीरी वाला ना हो पाए, पर इतना तो हो पाए कि उनका परिवार दो वक्त की रोटी खा पाए, बीमारी का इलाज करा पाए, उनके बच्चे भी एक अच्छे मुकाम पर जा पाए। लेकिन समर्थन मूल्य जनाब घूम फिर के वहीं आता है कि क्या समर्थन मूल्य इनकी जिंदगी बदल पाएगा? क्या जो एक दिया जा रहा है डेढ़ गुना कहा जा रहा है कि बढ़ जाएगा, क्या वो इनकी जिंदगी बदल पाएगा? वो तो समय बताएगा, लेकिन बदलाव की जरूरत तो है। एक माँ जो रोती है वो इस डर पे सोती है कि कब उसके घर की छत गिर जाए, फार्म भरे लेकिन उसका कोई समाधान नहीं, बस एक उम्मीद कि उसका बच्चा बड़ा होगा, एक अच्छी नौकरी लगेगा और उनका जीवन स्तर सुधारेगा। जनाब ये विडंबना है हमारी। आवाम की आवाज़ में कुछ और मसलों को लेकर हम बात करेंगे और जानेंगे कि घर परिवार की क्या हालत है, किस तरीके से एक इंसान अपनी मजबूरियों का शिकार होता जा रहा है, किस तरीके से वो चाहता है कि उसका जीवन स्तर सुधरे।